आज हम डालने वाले हैं CBR में 10W40 कैस्ट्रॉल पावर वन अल्टीमेट ऑयल। ये मुझे पड़ा है अराउंड 521 रुपीज़ का फ्लिपकार्ट से। मैंने इसको ख़रीदने के लिए सुपर कॉइन्स यूज़ किए थे, वरना इसकी एक्चुअल प्राइसिंग 555 रुपीज़ है। ये अराउंड 1 लीटर आता है इसमें, फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल है ये, कैस्ट्रॉल का टॉप है करेंटली। और मैंने एक और एक्स्ट्रा यहाँ पे बॉटल खाली रखा हुआ है, ताकि जो इंजन ऑयल अभी बाहर निकलेगा ओल्ड वाला, वो हम लोग इसके अंदर भरेंगे। एक फनल रखा है मैंने, ताकि इंजन ऑयल को डालने में आसानी हो। और मेरा टूल किट स्टैनली का, इसमें मुझे एक ही नट लगने वाला है। हम लोगों के पास कोई अभी पैन तो था नहीं इंजन ऑयल जो निकलेगा उसको स्टोर करने के लिए, तो हम लोगों ने एक 1 kg का अचार का डब्बा यूज़ किया है यहाँ पे, जहाँ पे इंजन ड्रेन बोल्ट है उसके नीचे रखा हुआ है, उसके नीचे हम लोगों ने इसको रखा हुआ है। और ये 1 kg का है, तो 1 लीटर ऑयल इसके अंदर आराम से आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। कलेक्ट कर लेंगे पहले इसमें हम लोग, उसके बाद हम लोग इसको वापस कैस्ट्रॉल के ओल्ड वाले डब्बे में डाल देंगे। सो ड्रेन प्रोसेस शुरू करने से पहले हमें इंजन को थोड़ा गर्म करना है, ताकि ऑयल जो है वो थोड़ा पतला हो जाए और आराम से निकल जाए हर जगह से। तो अभी हम लोग देख सकते हैं इसमें, यहाँ पे जो है वो कूलेंट अराउंड 1 गर्म है, क्योंकि मैं इसको अभी चला कर लाया हूँ और ये थोड़ी ठंडी हुई है वापस से। तो अगर आप चाहो तो इसको फिर से चालू करके थोड़ा 2 तक भी ला सकते हो, उतना भी अगर गर्म हो जाएगा ऑयल तो आराम से निकल जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है 3 तक पूरा लेके जाने का कूलेंट टेम्परेचर को, उतने में आराम से हो जाएगा अगर 1 या 2 पे भी है तो। सो अब हम लोग इसको ड्रेन करना शुरू करते हैं। अभी हम लोगों ने इसका पूरा फेयरिंग निकाल दिया गाड़ी का साइड का। इसको निकालने के लिए काफ़ी आसान प्रोसेस है, यहाँ पे एक स्क्रू खोलना है, फिर यहाँ एक क्लिप होती है, इस क्लिप को हाथ अंदर डालकर दबाकर निकाल सकते हो, खींच के भी निकाल सकते हो, लेकिन क्लिप टूट गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे भी एक क्लिप है और यहाँ एक क्लिप है आगे, और फेयरिंग इस नट पे इंडिकेटर्स पे लगा हुआ है, तो ये इंडिकेटर को भी निकालना पड़ेगा। इंडिकेटर एक निकालना है, क्लिप्स खोलनी है, यहाँ का नट निकालना है, और यहाँ इस नट पे लगी है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो फेयरिंग यहाँ अंदर इस नट पे लगी हुई है, यहाँ पे भी वही नट है, इसको भी खोलना है। अगर इतना आप खोल देते हो तो ये पूरा CBR का साइड का फेयरिंग बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ नीचे का एक स्क्रू है, और ये वाला, ये फेयरिंग का है इस साइड से लगता है, और इसका एक यहाँ है। इन दोनों को निकालने के बाद, और यहाँ एक स्क्रू है नीचे, स्टार शेप वाला स्क्रू है, उसको निकालने के बाद ये पूरा प्लास्टिक का साइड पार्ट बाहर आ जाएगा, जिससे आपको पूरे इंजन का साइड का एक्सेस मिल जाएगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे नट भी आप दिख रहा है अभी। अब कंटिन्यू करते हैं इंजन ऑयल ड्रेन करने के प्रोसेस को। अब इसको खोलने में ही हमारा टाइम चला गया, तो इंजन थोड़ा ठंडा हो गया होगा, फिर से एक बार हम लोग इंजन को स्टार्ट करके गर्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर इंजन ऑयल निकालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कूलेंट इसका पूरा ठंडा हो चुका है खड़े खड़े, तो इसको हम लोग अभी गर्म करेंगे थोड़ा, एटलीस्ट वन डंडा लाएंगे, फिर उसके बाद ही इंजन ऑयल निकालेंगे। एक डंडा आ चुका है, अब कंटिन्यू करते हैं एक डंडा। तो ड्रेन बोल्ट निकालने से पहले जो ऊपर का जो ये कैप होता है, इसको ऑयल कैप को पहले हम लोगों को निकालना होगा, क्योंकि इससे फिर आराम से ऑयल निकलता है। अगर इसको आप नहीं निकालोगे तो ऑयल बहुत रेस्ट्रिक्टिव तरीके से निकलेगा, जैसा कि आप देख सकते हो आराम से निकल रहा है अभी। इसको ज़रा साफ कर लेते हैं और देखते हैं कि ऑयल जो ओल्ड वाला इसके अंदर लगा है, जो डाला गया था, उसकी क्या कंडीशन है। उसको चेक करने के लिए फिर से डालकर टाइट नहीं करना है, सिर्फ डिप करके वापस बाहर लाना है। भाई ऑयल का है, है। जैसा कि आप देख सकते हो गाड़ी सीधी करने के बाद हमें समझ रहा है कि इसके अंदर ऑयल थोड़ा सा ही है, गीला वाला पार्ट। ड्रेन करते हैं बोल्ट निकाल कर नीचे का, इसको कोई साफ जगह पर रख दो ताकि उसमें मिट्टी ना लगे। तो फिर नीचे जो बोल्ट है यहाँ पे ड्रेन का, ये वाला,
इसके पास एक बकेट रख लो पैर से और फिर इसको खोलने का प्रोसेस शुरू करो। अब ये डर लग रहा है कि हमारे पास वॉशर है नहीं और एक एक्स्ट्रा, तो अब क्या लगाया जाएगा अगली बार। वैसे वॉशर की कंडीशन तो अच्छी लग रही है क्योंकि मैंने ज़्यादा टाइट नहीं किया था, तो अगर वही यूज़ होगा वापस तो करेंगे। अगर हमें लगता है कि ऑयल लीक हो रहा है तो इन फ्यूचर वापस से नया वॉशर लाकर इसमें लगा देंगे। मैं चाहूँ तो इसको जल्दी जल्दी भी निकाल सकता हूँ, लेकिन फिर ऑयल स्पिल होने का चांस होता है और ये सब ऑयल नेचर के लिए बहुत गंदा होता है अगर इसको आप खुले में ऐसे गिरा दोगे तो। इनफैक्ट बॉक्स में भी लिखा होता है कि अगर हमारे स्किन पे ये ज़्यादा टच होगा तो हमें स्किन कैंसर भी हो सकता है। सो अगर आपके हाथ पे लग जाता है ये सब तो निकाल दिया करो, पोंछ लिया करो जल्दी से। बस किसी भी समय पे ये निकलने वाला है। और ये था परफेक्ट तरीका, बिना ऑयल कहीं भी स्पिल किए आराम से निकाल दिया। इसके लिए ये ओवर एंड स्पैनर बहुत काम आता है क्योंकि ये नट को पकड़ लेता है वॉशर के साथ। ना काला हो गया ऑयल यार। किया उसको। ओ भाई टाइम पे बोला, इसलिए बोला वहाँ पे ले लो। तो इतना तो गंदा होना ही था, कुछ अजीब सा हो रहा है यहाँ पे। ओ देखो उतना पूरा परफेक्ट भर गया। 1 किलो पकड़ के रखो ऐसे ही थोड़ा। पकड़ के रखो ऐसे थोड़ा पकड़ा है मेरे। हाँ बस तो अभी हम लोगों ने इसमें से सारा इंजन ऑयल निकाल लिया है। अब इसको हम लोग बंद कर देते हैं। सबसे पहला काम हमेशा होता है इंजन ऑयल को जो आपने ड्रेन किया उसको बंद करके रख दो, वरना हाथ पैर लगा गिरा तो सब पोपट हो जाएगा। डब्बा तो नहीं है। ये लगा दिया हम लोगों ने इसका प्यारा प्यारा कैप। थोड़ा और इसको टाइट कर दिया अभी, इसको साइड में रख लेते हैं आराम से। और ये जो ड्रेन बोल्ट है, अब इस ड्रेन बोल्ट को भी एक साफ कपड़े से हम लोग साफ कर लेंगे। वैसे ऑयल की अभी भी थोड़ी लाइफ बची थी, लेकिन मैंने बोला रिस्क क्यों लिया जाए। और पिछली बार मैंने फ्लश भी यूज़ किया था इंजन पर, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है ऑयल ज़्यादा पतला हो गया था जितना होना चाहिए था उससे। तो अभी कपड़े से इसको साफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ओके तो एक कपड़ा ले लो और इसका जो इंजन ऑयल डालने की जो जगह होती है उसको एक बार साफ कर लो अच्छे से। साफ करने के बाद ड्रेन बोल्ट जो है उसको भी साफ कर लो। ड्रेन बोल्ट को भी अच्छे से साफ कर लेना। मेन ये क्रश वॉशर है, क्रश वॉशर को अच्छे से एकदम क्लीन कर लो अगर रीयूज करना है तो। अब इसको वापस इंजन में लगा लेना है। पहले डायरेक्ट घुमाना नहीं शुरू करना कभी भी, थ्रेड ख़राब हो सकता है। पहले इंजन बोल्ट को पहले 2-3 बार हाथ से उल्टा घुमाओ तो वो अपनी सही ट्रैक पे आ जाएगा। आपको फील होगा, एक फील आता है उसका कि हाँ वो ट्रैक पे आ चुका है। फिर उसके बाद उसको सीधा वापस घुमाना शुरू करो तो एकदम आराम से अंदर जाएगा, नो प्रॉब्लम एकदम। जितना हाथ से टाइट हो सकता उतना टाइट कर लो। फिर उसके बाद 17 नंबर का रेंच वापस लेते हैं और इसको इस तरफ टाइट करना है वापस एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि नट उल्टा लगा हुआ है इसलिए उसको एंटी क्लॉकवाइज टाइट करना है। अगर ये टाइट हो जाए तो इसको 1/4 हमें घुमाना है, मतलब यहाँ तक घुमाना है वापस, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको 1/4 बोलते हैं। बस
इससे ज़्यादा अगर आप टाइट करोगे तो इंजन के थ्रेड को भी ख़राब कर सकते हो, या फिर जो क्रश वॉशर है वो डैमेज हो जाएगा। तो इसका एक लिमिट होता है, प्यार से करना। इंजन ऑयल डालने के लिए भी मेक श्योर ये सील पहले से जुड़ी हुई हो। अब इसमें ये जो सील है इसको हमें पंचर करना है दो जगह से, एक जगह एकदम कोने में इसके और एक जगह अपोजिट साइड में, ऐसे दो छेद करने हैं इसमें। और ये जो पार्ट है इससे हमें गिराना है इंजन ऑयल को। तो यहाँ पे एक फनल लगा लिया है हम लोगों ने प्यारा सा, थोड़ा छोटा है फनल लेकिन काम चल जाएगा आज के लिए। इसको फनल को प्यार से ऐसे लगा देना है और फिर इंजन ऑयल इसमें पोर करना है। गोल्ड कलर का ऑयल है इसका, ना ट्रांसपेरेंट है ना रेड कलर है, गोल्डिश कलर का है ऑयल इसका। तो नेक्स्ट टाइम जब ये भी निकलेगा तो हमें समझ में आएगा कि ये 1 लीटर कैपेसिटी है CBR का, तो 1 लीटर का बॉटल आता है इनका, पूरा डालना है 1 लीटर। कुछ लोग बोलते हैं 1.1 लीटर डालना है, तो वो गलत है। CBR की मैनुअल में लिखा हुआ है कि 1 लीटर ही कैपेसिटी है। बेंच का ऊपर नीचे कर सकते हैं हाइट, एक एक बूंद ले लेंगे इसमें से हम लोग, बहुत महंगा है। अब इसमें हम लोग चेक करते हैं कितना इंजन ऑयल है। ये देखो परफेक्ट आधे के बीच में है वो ऑयल, दिखता है क्या? परफेक्ट आधा गीला हुआ है उसमें से, इसका मतलब इंजन ऑयल एकदम परफेक्ट क्वांटिटी में गया है। वापस बंद कर देते हैं और इसको टाइट करने का ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, थोड़ा सा एकदम बस, इससे ज़्यादा टाइट नहीं करने का इसको भी। चालू करते हैं और दो तीन मिनट हाँ 2-3 मिनट घुमाते हैं उसको। अब इसकी हम लोग पैनल सब वापस लगा देते हैं और अब चला कर आपको बताएंगे कि क्या एक्सपीरियंस है इस ऑयल का। उसको लगेगा मुझे एटलीस्ट एक महीना मैं उसको आराम से फील लूँगा, उसके बाद ही बताऊँगा कि कैसा ऑयल है। तारीफ तो बहुत सुनी है, लेट्स सी क्या होता है।